मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज दरभंगा के मेडिकल कॉलेज में आकर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला है। मैं अपनी ओर से आप सब लोगों को और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आप सबको प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा और नीतीश जी के सहयोग के कारण ये जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आपको मिला है इस नायाब तोहफे के लिए, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत तो उसमें कोई बहुत जोड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ बातों के तरफ आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहता हूं, और जब मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं तो आपको बताना चाहता हूं। कल भी मैं कह रहा था, आज भी मैं कहता हूं कि आप के हाथ में और आपके द्वारा एक बहुत बड़ी ताकत है। वह ताकत अगर सही ढंग से उपयोग होती है तो वह आपके उपयोग में आती है। अगर वह ताकत गलत ढंग से उपयोग होती है तो वह आपके लिए तकलीफदायक होती है, और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा। आपके लिए आजादी के इतने साल बाद दरभंगा को यह सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आने में इतनी देर क्यों हुई? आपको यह सोचना पड़ेगा कि आज से पहले आकर के किसी मंत्री ने यह क्यों नहीं कहा कि हम यहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलेंगे और प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका शुभारंभ कराएंगे, क्यों नहीं कहा? इसलिए कि नीति निर्धारकों का विचार जिस गहराई के साथ उन चीजों को सोचने की आवश्यकता थी वह हमारी गहराई नहीं। अब आप कहोगे कि मैं कह रहा हूं, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके इस उंगली में बहुत बड़ी ताकत है। जब यह उंगली सही बटन को दबाती है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आता है, और जब आपकी उंगली गलत जगह पर दबती है तो मुरैठा बांध करके दिन दिहाड़े गुंडे ही शुरू हो जाते, विध्वंस शुरू हो जाते, तकलीफ शुरू हो जाती। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं बताओ भाई? मेडिकल की सीटें आज 88% अंडर ग्रेजुएट की सीटें बढ़ गई हैं, 88%। 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 731 मेडिकल कॉलेज हैं, 731। 157 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, 157। और बिहार भी कभी पीछे नहीं रहा है, इसको आप याद रखिएगा। मंगल पांडे जानते हैं, नीतीश कुमार जी का हमको पूरा सहयोग मिला है। आपने कभी सोचा था कि पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था? कभी सोचा था कि सारण में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि सिवान में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि बक्सर कभी सोचा था कि झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? और कभी सोचा था कि जमुई में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? ये आपकी उंगली का कमाल है, सही जगह